विकास यात्रा में बोले, कुक्कुट विकास निगम के अध्यक्ष बिना पैसे लिए नहीं होते जनता के काम, रिश्वत लेने वाले करा ले अपना ट्रांसफर। प्रदेश भर में इन दिनों विकास यात्रा निकाली जा रही है। शिवपुरी जिले के हर नगर कस्बे और ग्रामीण अंचल में विकास यात्रा 25 फरवरी तक निकाली जाएगी। आज करारा विधानसभा में भी विकास यात्रा निकाली गई। इस दौरान राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक करैरा जसवंत जाटव ने भरे मंच से करैरा क्षेत्र के राजस्व अधिकारियों पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए हैं। पूर्व विधायक ने मंच से रिश्वत लेने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को अपना ट्रांसफर करा लेने की नसीहत भी दी है। बिना रिश्वत के नहीं होता जनता का काम। दरअसल आज करैरा विधानसभा के सिल्लारपुर गांव में विकास यात्रा पहुंच रही थी। इस उपलक्ष्य में सिल्लारपुर गांव के पंचायत भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त जसवंत जाटव ने अपने ही अधिकारियों पर रिश्वत लेने के आरोप लगा दिए और उन्हें चेतावनी भी दे दी। पूर्व विधायक करैरा जसवंत जाटव ने मंच से कहा कि राजस्व विभाग में तहसीलदार, SDM, RI, पटवारी, ये सभी महत्वपूर्ण अंग हैं। ये सभी विभागों पर राज करते हैं। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हमारी दोनों तहसील में नामांतरण, बंटवारा, दुरुस्ती बिना सुविधा शुल्क के नहीं हो रही है। अधिकारी अपने आप को आईने की तरह साफ करें। मेरे क्षेत्र का व्यक्ति अपने कामों के लिए भटक रहा है, उसे RI और पटवारियों के सामने ऐसे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है जैसे वह भीख मांग रहा हो। यह भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। जिन अधिकारियों को भ्रष्टाचार पसंद हो वह इस क्षेत्र से अपना ट्रांसफर करा ले। अब अगर एक भी शिकायत मिली तो मैं मंच से बेइज्जत करूंगा और जनता से भी करवाऊंगा। ध्यान करके रखें। बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला राजस्व विभाग, तहसीलदार हो चाहे SDM हो और इनके नीचे RI और पटवारी, ये महत्वपूर्ण अंग है। ये सभी विभागों के ऊपर राज करता है, एडमिनिस्ट्रेशन यहां से होता है। मैं कह सकता हूं पूरी गारंटी के साथ कि हमारी दोनों तहसील में कोई भी नामांतरण, कोई भी बंटवारा, कोई भी दुरुस्ती बिना सुविधा शुल्क के नहीं हो रही है। कोई भी फाइल अपने आप को भी आईने की तरह साफ करें और शिकायत न मिले। मेरे क्षेत्र का व्यक्ति ऐसे भटक रहा है, ऐसे गड़गड़ाता है पटवारी, RI और श्रीमानों के सामने जैसे वो भीख मांग रहा हो, उसका अधिकार ना हो। यह भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए और अगर इसको भ्रष्टाचार पसंद है वो यहां से ट्रांसफर करा ले। एक भी शिकायत जब मिलेगी तो मैं ऐसे ही मंच से बेइज्जत करूंगा और जनता के द्वारा करवाऊंगा। ध्यान कर रहे हैं।